अमृतसर में कोरोना का आज नया ब्लास्ट हुआ है। एक ही दिन में कोरोना के 28 नए मामले सामने आने से कुल मरीजों की संख्या 468 हो गई है। इनमें से 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमृतसर के पॉश इलाके आनंद एवेन्यू से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि डॉक्टर भीमसेन अस्पताल के 3 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा विभिन्न इलाकों से कोरोना के मरीज सामने आने से सेहत विभाग के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले डॉक्टर भीमसेन को जब कोरोना की संदिग्ध अवस्था में सिविल अस्पताल में उनका सैंपल लेने के लिए लाया गया था, तब उन्हें यहां पर सीनियर मेडिकल अधिकारी के कमरे में बिठवाया गया था। तब किसी को पता नहीं था कि डॉक्टर भीमसेन खुद कोरोना से पॉजिटिव पाए जाएंगे। चूंकि शहर का VIP केस था, इसलिए उनके लिए कई फोन भी अस्पताल प्रबंधन को आए। अब अस्पताल प्रबंधन मामले में कुछ कहने से बच रहा है। संपर्क करने पर कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि डॉक्टर भीमसेन सीनियर मेडिकल अधिकारी के कमरे में बैठे थे या नहीं। जबकि D4U न्यूज की टीम को स्पष्ट जानकारी है कि डॉक्टर भीमसेन को सीनियर मेडिकल अधिकारी के कमरे में बिठाया गया था, तब उस समय वहां पर कई डॉक्टर भी मौजूद थे, कई कर्मचारी भी इस कमरे में आए थे। अब सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कौन लोग डॉक्टर भीमसेन के संपर्क में आए, या तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, नहीं तो उन पर नजर रखी जाए कि कहीं वह आगे कोरोना की महामारी फैलने का बड़ा कारण ना बने।